हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं मोडेक्स टेक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आप ही के भेजे हुए कुछ पोटैटो कैटेगरी के पीसी सेटअप्स। तो यानी कि आज जो है हम पूरी सब्जी बनाने वाले हैं आलू की, बैंगन की और शिमला मिर्च की मिला करके। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस अगर आप भी चाहते हो कि आपके सेटअप को यार इस चैनल के ऊपर फीचर करा जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक और नई वीडियो का लिंक मिलेगा। उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से एकदम विस्तार से एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा रखा है कि आप कैसे जो अपना सेटअप सबमिट कर सकते हो। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो यार क्या कर रहे हो यार, मतलब किस बात की देरी है। जल्दी से दबाओ लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को और कर दो से ग्रे कलर का, साथ ही भाई इस घंटे को जरूर दबाना, नहीं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और साथ ही हम लोग लाइक एम भी रख लेते हैं, तो भाई लाइक जरूर कर दो। और लाइक एम हम लोग रखते हैं 2500 लाइक्स, तो 2500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर कंप्लीटर करा दो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय grabkeys.in। अगर आपको काफी सस्ते प्राइसेस के अंदर विंडोज 10 प्रो की OEM की रिटेल की परचेस करनी है, तो आप grabkeys.in वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। यहां पर आपको 100% जेन्युइन विंडोज 10 प्रो की OEM की रिटेल की देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो वेबसाइट है मैं खुद भी यार पर्सनली कई बार यूज कर चुका हूँ, एकदम 100% जेन्युइन कीज यहाँ से देखने के लिए मिलती है। सो मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। और भाई अनएक्टिवेटेड विंडोज यार बिल्कुल मत यूज करो, जेन्युइन और एक्टिवेटेड विंडोज का यार यूज करो। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे सबसे पहले सेटअप के बारे में। तो ये है ऋषभ की तरफ से, जो कि 13 साल के और हरियाणा के रहने वाले हैं और ये एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप को आप देख सकते हो भाई, काफी बढ़िया सेटअप है। और लुक्स वाइज तो इनका सेटअप यार काफी अच्छा लगता है। लाइटिंग वगैरह जो इन्होंने भाई ने अपने सेटअप के अक्रॉस यार काफी बढ़िया बना रखी है, और मतलब काफी जगमग जगमग सा रहता है इनका सेटअप पूरा देखने में। और देख सकते हो कि एक लैपटॉप वाला सेटअप है, मतलब इन्होंने लैपटॉप से जो है अपने मॉनिटर को, अपने कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल नंबर है इनके लैपटॉप का, बट लैपटॉप की स्पेक्स इन्होंने बताई है थोड़ी बहुत, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक लेनोवो का लैपटॉप है और प्रोसेसर इसके अंदर है इंटेल कोर i3, अब कौन सा है वो भी नहीं पता। रैम इसके अंदर 4GB और SSD वगैरह इसके अंदर कुछ है नहीं, तो मतलब वही नॉर्मल ट्रेडिशनल कोई हार्ड ड्राइव इसके अंदर लगी हुई होगी। और बात करें अगर हम लोग पेरिफेरल्स की तरफ बढ़े कि मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं LG का फ्लैटरॉन, कीबोर्ड माउस देख सकते हो कि यार वही ज़ेब्रोनिक का ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो ये यूज़ कर रहे हैं। हेडसेट इनके पास मीवी के और स्पीकर भी है इनके पास, जो कि है पोट्रॉनिक्स के। अच्छा, इन्होंने मेरे को बताया कि एडिटिंग करते हैं इसके ऊपर या फिर कभी कभी गेमिंग कर लेते हैं। तो देखो यार एडिटिंग और गेमिंग के पर्पज़ के हिसाब से तो ठीक है, बेसिक वाली हो जाती होगी, और गेमिंग भी मतलब बहुत कोई हाई लेवल नहीं हो पाती होगी, बेसिक में भी एकदम लो वाली, मतलब वाइस सिटी वगैरह टाइप्स वाली गेमिंग, तो वो इसके ऊपर ये हो जाती होगी। और एडिटिंग भी जो है ये बिल्कुल बेसिक वाली कर पाते होंगे इसके ऊपर, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत इन्हें दिक्कत आती होगी। अब देखो यार इन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि ये कौन सा i3 यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ सजेस्ट कर भी पाता। अब अगर आपके पास अगर कोर i3 है इसके अंदर, अगर थोड़ा नए जनरेशन का लैपटॉप है, लाइक अगर इसके अंदर 7th 8th जनरेशन लगी हुई है कोर i3 की, तो आप अपनी रैम को अपग्रेड करा के 4GB से 8GB कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ 8GB करने के बाद आपका एक्सपीरियंस यार काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। साथ ही में अगर एक SSD और इंक्लूड कर पाओ तो SSD भी यार ज़रूर लगा लेना इसके अंदर। सच में आप जो फिर डिफरेंस देखोगे ना अपने लैपटॉप के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा। बाकी अपना कीबोर्ड माउस वगैरह इन सब चीज़ों को अपग्रेड आप तभी करना जब आप एक अपना प्रॉपर एक PC बनाओ। और कीबोर्ड माउस तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है वो अपने मॉनिटर के अंदर है। तो कभी फ्यूचर में जब एक अपना PC सेटअप क्रिएट करो डेडिकेटेड, तो उसके लिए एक अलग से अच्छा मॉनिटर ले लेना, इसी को मत लगा लेना उसके अंदर, ठीक है। अब बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो उन्होंने अपने सेटअप को कुछ बहुत ज़्यादा खास मेंटेन तो नहीं कर रखा है, थोड़ा बहुत ये अच्छी तरीके से केबल मैनेजमेंट और अच्छी कर सकते थे इसके अंदर। आई एम श्योर थोड़ा टाइम दोगे तो और अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ सजेशन थे मेरी तरफ से ऋषभ, थैंक यू सो मच अपना सेटअप भेजने के लिए। बढ़ते हमारे अगले सेटअप की तरफ, तो याद है राहुल की तरफ से, जो कि 15 साल के हैं और ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बात करें हम लोग इनके सेटअप के बारे में, तो आप देख सकते हो कि लुक्स वाइज जो इनका सेटअप है वो यार काफी अच्छा लगता है, पोटैटो कैटेगरी में, बट स्टिल भाई लुक्स वाइज जो इनका सेटअप यार काफी अच्छा लगता है। भाई ने जो है RGB स्ट्रिप भी लगा रखी है पीछे,
जो कि टाइम टू टाइम उसका कलर वगैरह भी चेंज करते रहते होंगे अपने मूड के हिसाब से। फिलहाल जो इन्होंने ग्रीन कलर इसके अंदर लगा रखा है। अब देखो यार इनका जो पूरा सेटअप है इसके अंदर इनको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, तो इनको स्पेस यूटिलाइजेशन जो इन्होंने ठीक ठाक अच्छी तरीके से कर रखी है, मतलब और जो सिमेट्री इनके सेटअप के अंदर वो ओवरऑल जो है ठीक ठाक अच्छी खासी बन रखी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं इंटेल की तरफ से डुअल कोर E5300, रैम यूज कर रहे हैं टोटल 4GB 2GB की, टोटल 2 स्टिक्स हैं। ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं जोटेक की तरफ से GT710, और इनके पास जो कैबिनेट है वो है कोई ओडीसी की तरफ से, तो बेसिक सी कैबिनेट है। अब देखो भाई जो इनका पीसी स्पेक्स है उसके हिसाब से इनको ज़्यादा कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत तो मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि यार अब इसमें ये अपग्रेड करके इतना कुछ खास फायदा वैसे मेरे हिसाब से इनको नहीं मिलने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड भी अगर ये अपग्रेड कर लेंगे इसके अंदर तो GT710 तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, इससे ऊपर कुछ लगाएंगे तो मेरे हिसाब से कुछ इतना खास फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही में आपने रैम भी जो है 2GB की 2 स्टिक्स लगा रखी हैं, तो और अपग्रेड करके भी कोई फायदा नहीं। तो फ्यूचर में जो एक अपना पीसी बाय कर लेना, क्योंकि इसमें और कुछ अपग्रेडेशंस करोगे तो आप आफ्टर ऑल कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं उठा पाओगे। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में कि क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। मॉनिटर इनका LG की तरफ से कोई 720p वाला मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस यूज कर रहे हैं इंटेक्स का कोई गेमिंग कॉम्बो, हेडसेट इनके पास है नहीं, स्पीकर ये कोई से आर्टिस्ट के यूज कर रहे हैं जो कि मल्टीमीडिया स्टीरियो स्पीकर्स हैं। और इन्होंने बताया कि अपने पीसी के ऊपर जो है फोटोज वगैरह देख लेते हैं या मूवीज वगैरह देख लेते हैं, या फिर इसके ऊपर जो है कभी कभी CS:GO खेल लेते हैं। तो CS:GO जो है वो इनको लोएस्ट सेटिंग्स के ऊपर ठीक ठाक चल जाता है इसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक लो डिमांडिंग गेम है, तो वो पोटैटो पीसीज के अंदर भी आराम से चल जाता है, तो CS:GO के हिसाब से इनको कोई खास दिक्कत वैसे आती नहीं होगी। और बाकी तो मैंने आपको पीसी स्पेक्स के बारे में बताई दिया है, ज्यादा कुछ आपको अपग्रेड करने की जरूरत है नहीं। बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो देखो भाई सेटअप के अक्रॉस ज्यादा कुछ हमें गंदगी वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से कैबिनेट के अंदर, तो कैबिनेट के अंदर जो हालत है वो डस्ट वगैरह तो नहीं है, बट हाँ केबल मैनेजमेंट ये थोड़ी सी और बेटर कर सकते थे। सो ओवरऑल मैंने आपको बताई दी कि लुक्स वाइज तो यार आपका सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन पीसी स्पेक्स जो है वो आपके ऐसे हैं कि इसके अंदर ज्यादा कुछ अपग्रेड करोगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर में एक ढंग का सा पीसी ही बनवा लेना, और उसके ऊपर फिर आप जो आराम से गेमिंग वगैरह कुछ भी करना हो आप वो आराम से जो है उसके ऊपर कर पाओगे। ज्यादा बजट ना हो तो एक एपीयू वाला बिल्ड जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच राहुल अपना सेटअप सबमिट करने के लिए। बढ़ते हमारे अगले सेटअप की तरफ, तो ये आता है नमन की तरफ से, जो कि 10 साल के हैं, न्यू दिल्ली के रहने वाले और ये एक स्टूडेंट है। तो 10 साल के हिसाब से मतलब काफ़ी छोटे हैं, बट उस हिसाब से जो इन्होंने अपना सेटअप बनाने की कोशिश करी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव है। मतलब इनकी एज काफ़ी कम है, उस हिसाब से जो इन्होंने अपना सेटअप बनाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी छोटे हैं ये। अच्छा, इनके सेटअप को आप देखोगे तो देख सकते हो कि ये डुअल मॉनिटर सेटअप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखने में तो मतलब पोटैटो कैटेगरी हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन केबल मैनेजमेंट के ऊपर मैं थोड़ी देर में अभी आऊंगा। अच्छा, फिलहाल हम लोग जो इनकी पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर यूज करते हैं इंटेल की तरफ से कोर i5 7400, जो कि एक i5 की 7th जनरेशन वाला प्रोसेसर है। रैम इनके पास टोटल 8GB की, ग्राफिक्स कार्ड इनके पास एनवीडिया का GT730, और कैबिनेट यूज कर रहे हैं कोई सी आई बॉल की, वही बेसिक सी कोई कैबिनेट। अगर बड़े हम लोग पेरिफेरल्स की तरफ की क्या क्या चीजें यार यूज कर रहे हैं, मॉनिटर कौन कौन से, क्योंकि देख सकते हो भाई डुअल मॉनिटर सेटअप ये भाई हमारे बना के बैठे हुए हैं। तो मॉनिटर यूज करते हैं HP की तरफ से Z22i, जो इसका मॉडल नेम है। कीबोर्ड यूज कर रहे हैं HP की तरफ से, कोई उनका बेसिक वाला कीबोर्ड है और कोई बेसिक वाला माउस ये यूज कर रहे हैं HP की तरफ से। हेडसेट है इनके पास कोटियन के, और स्पीकर भी है इनके पास, वो भी यार इनके इंटेक्स के ही है, कोई 5.1 चैनल के। और इनके पास एक माइक्रोफोन भी है जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन है। इन्होंने बताया कि ये जो पीसी है ये मेनली इनके फादर का है, बट ये अपने फादर से जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं खुद के गेमिंग पर्पस के लिए, तो ये खुद जो है इसके ऊपर गेमिंग स्ट्रीमिंग और बेसिक वाली वीडियो एडिटिंग करते हैं। अब स्ट्रीमिंग कैसी होती है वो तो मेरे को नहीं पता। अच्छा हाँ, इन्होंने यहाँ पर लिख के बता रखा है कि स्ट्रीमिंग जब ये करते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो वो यार ऑब्वियसली हो, क्योंकि आपका जो CPU है वो भी इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है, साथ ही में जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो भी इतना ज़्यादा कोई केपेबल नहीं है कि आप इसके ऊपर जो यार लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओ। बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो इन्होंने अपने सेटअप को यार ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है। अगर मैं डेस्क के ऊपर बात करूँ बिल्कुल भी कोई ऐसे सच हमें गंदगी वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। और वहीं अगर मैं कैबिनेट के अंदर बात करूँ तो वहाँ पर मेरे को पक्का पता है इन्होंने फोटो भेजने से पहले जो यहाँ पर कपड़ा मारा है, देख के मेरे को पता चल गया। बट हाँ फिर भी कोई नहीं, वीडियो फोटो वगैरह खींचने के लिए जो है तुमने साफ करा है तो अच्छी बात है, चलो साफ तो कर लिया कम से कम। लोग तो कई बार धूल मिट्टी वाली फोटो भेज देते हैं। अच्छा, अगर मैं केबल मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो वो तो भाई बहुत ही बुरी कर रखी है। पूरे सेटअप में जो है केबल्स इधर उधर बिखरी हुई है। अगर आप टाइम दोगे देन डेफिनेटली आप जो इसको अच्छा कर सकते हो।
और इसको जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इन्होंने बताया कि इनको बहुत ही ज़्यादा जो है लो FPS देखने के लिए मिलते हैं गेम्स के अंदर, जो कि यार बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ही चीज़ है क्योंकि ये GT 730 इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। और GT 730 जो है ये कोई गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ये जस्ट जो है मीडिया कंजम्पशन वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये गेमिंग के लिए तो कभी बना ही नहीं था, ठीक है। अब अगर आपको इसके ऊपर गेमिंग करनी है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो आप जो इसके अंदर एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, क्योंकि एक i5 7400 आप यूज़ कर रहे हो, देन आप जो इसके साथ में एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड जो है पेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो CPU है वो फिर बॉटलनेक नहीं होगा। CPU जो है आपका वो इतना अच्छा है कि आप इसके अंदर एक RX 570 जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो, तो आप एक यूज्ड डील जरूर ढूंढना, आपको 6000 रुपये के आसपास में एक RX 570 ईजिली मिल जाएगा यूज्ड मार्केट के अंदर, तो आप जो उसको लगा सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गेमिंग के अंदर, ठीक है। और साथ ही में आप जो अपनी रैम को भी अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप सिंगल चैनल में 8GB की रैम को यूज़ कर रहे हो, तो आप एक और 8GB की स्टिक जो है इसके अंदर लगा सकते हो, फिर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड में अपग्रेड करोगे तो, कि आई बॉल की जो पावर सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाली पावर सप्लाई है, ये RX 570 को नहीं चला पाएगी, तो आपको जो एक पावर सप्लाई के अंदर भी आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो। सो यही कुछ सजेशन थे यार मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच नमन अपना सेटअप सबमिट करने के लिए। तो आई वीडियो आपको काफी अच्छे लगे तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को अभी तक नहीं कराए तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।